गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड 9th में कविता एक यानी पोएम नंबर 1 आराधना के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है वसंत बाबट। उसका जन्म हुआ है सन 1922 को और निधन यानी कि मृत्यु हुई 2002। श्री वसंत बाबट ख्यातनाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। वसंत बाबट का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है, यानी कि पुणे में उसने वसंत बाबट ने अपना काम किया था। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे, यानी कि राष्ट्र सेवा दल में भी उसने काम किया। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे, यानी कि वह नौकरी धंधे में शिक्षक रहे, अध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी यानी कि 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं वसंत बाबट ने लिखी हैं। अब इस कविता में प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है, यानी कि मराठी कविता में से ली गई है। अब हम इस कविता को गाएंगे। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ को और उसकी साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अब हम इस एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति है देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, उसका अर्थ है कि शरीर और मन में शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसका कवि ने यहाँ पूरा अर्थ समझाया है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। ठीक है, ये पहली पंक्ति यहाँ कवि ने इसे समझाई है। अब दूसरी पंक्ति में कवि ने लिखा है कि दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। इस पंक्ति में कवि ने समझाया है कि पहली पंक्ति में कि दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, इस पंक्ति में कवि ने समझाया है कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले, दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें।
दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। इसका अर्थ कवि ने समझाया है कि दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। ये अब तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में कवि ने यहाँ समझाया है कि जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। इसका अर्थ है कवि ने समझाया है कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, यानी कि सबके जीवन में नया प्रकाश, यानी कि नई चेतना हो, बराबर, सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, अंतरंग में भावना, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। अब नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने यहाँ समझाया है कि भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, इसका अर्थ कवि ने समझाया है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए और किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। ठीक है, अब मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी कि सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, इसका अर्थ है कि हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स, आपकी ये कविता का अर्थ यहाँ पूरा हुआ। अब हम इस आराधना कविता में थोड़े हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको ये इस क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? क्वेश्चन फोर है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? क्वेश्चन फाइव है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये पांच क्वेश्चन के आंसर आपको होमवर्क में लिखने हैं।